दूसरा काउंटर रजत फार्मा स्पेस से है, कोप्रान का शेयर है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए ये बहुत रिलेटिव और बहुत सिलेक्टिव और छोटे नीश सेगमेंट में कामकाज करती कंपनी, लेकिन हाँ आगे चल के एक अच्छा रिटर्न दे सकती है अपने निवेशकों को। अगर कंपनी की आप परफॉर्मेंस देखें, Q3 में कंपनी का मुनाफा करीब 28% की तेजी रही थी, वहीं जो Q4 के मुनाफे उसमें करीब 98 ऑपरेटिंग मुनाफे 28% और Q3 मुनाफे में करीब 100% की तेजी देखने को मिली थी। सिमिलर सेट ऑफ नंबर इस बार पोस्ट करती दिखेगी, फर्क सिर्फ इतना होगा इस बार के बेटा मार्जिन और ज्यादा रहने का अनुमान है, क्योंकि कंपनी ने कई लेवल्स पे अपनी कॉस्ट को कट किया है, एम्प्लॉय कॉस्ट को रेगुलेट किया है, कंपनी ने रॉ मटेरियल कॉस्ट कंपनी की कम हुई है उसका फायदा होता हुआ दिखेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट इज आउट हुई है उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। कई लेवल्स पे कॉस्ट कट करने की वजह से इस बारी के मार्जिन्स बेहद स्ट्रांग रहेंगे और वही की ड्राइव अवे है। अगर आप इसकी कैश ईपीएस की बात करें तो मौजूदा कैश ईपीएस करीब 6.10 रुपये की है, वहीं कंपनी की पी इंडस्ट्री की जो पी है वो 32.5 के टाइम्स रेट होती हुई दिखती है, लेकिन FY17 के लिए कोप्रान की अनुमानित ईपीएस करीब 8 रुपये की और पी मल्टीपल 7 का है, यानी बेहद सस्ते दरों पे शेयर अवेलेबल और यहाँ से एक अच्छी उछाल दिखा सकता है, इसीलिए फर्स्ट कॉल मानता है 63 के लक्ष्य के लिए आप कोप्रान में खरीदारी कर सकते हैं।